हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्लीनिंग वीडियो। यहाँ में ये व्हाइट बर, ब्लैक बर एंड थ्री ट्राइंगल, ये मिनी आइटम है ट्राइंगल, और ये नॉर्मल साइज का बार है। इन सबको हम अभी स्क्रैप करके फिर वॉश करके क्लीनिंग कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बार से शुरू करूंगी। ये व्हाइट कलर का बार है। ये ब्लैक बार है, ये व्हाइट बार। ये रेड कलर का मिनी ट्राइंगल है, टाइनीएस्ट नहीं है, मिनी है। मिनी टाइनीएस्ट तो नहीं, शायद मिनी है। मुझे इतनी ज़्यादा इसका मतलब सभी साइज का नॉलेज नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। मुझे जैसा लगा मैंने वैसा कहा। व्हाइट ट्राइंगल है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, देखिए। इस व्हाइट में ना रेड का लेयर है, देखिए। ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, ये ऊपर पूरा लेयर ही ग्रिटी है। ठीक है।
ये क्यूबिकल बार है, तीनों की तीनों ही ब्लैक कलर है। ये तीन क्यूबिकल बार भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि क्लीन जल्दी जल्दी हो जा रहा है तो कर लेते हैं। ज़्यादा गंदा है नहीं, बराबर से क्लीन हो जा रहा है। ये लेयर ग्रिटी है, निकल गया। स्क्रैपिंग के वक्त जो साउंड होता है आपको उसी से पता चल जाएगा कि कौन सा लेयर ग्रिटी है कौन सा नहीं है। ग्रिट लेयर का अलग साउंड होता है, सॉफ्ट लेयर का अलग साउंड होता है। हमारे इधर गर्मी पड़ने लगा है क्योंकि मैं फैन बंद करके कर रही हूँ, ये हवा में उठता है नहीं तो, तो बहुत ही गर्मी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, क्लीनिंग हो सॉरी स्क्रैपिंग हो गई है, इन सबको मैं अभी वॉश कर लूंगी अच्छे से। ये ब्लैक कलर का आइटम इस बार का पूरा डार्क ब्लैक आया है, नहीं तो कभी कभी ग्रे ब्लैक भी रहता है, ये पूरा डार्क ब्लैक है, देख सकते हैं आप, पूरा डार्क ब्लैक है। डार्क ब्लैक का टेस्ट और ग्रे ब्लैक का टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। थोड़ा सा ग्रिटी है, देखिए ये जो है ना, ये मुंह में फिर जाके किरकिरा लगता है। बहुत अद्भुत स्मेल आ रहा है, क्लीन हो गया। ये ट्विन वन है, देखिए एक तरफ से रेड है एक तरफ से व्हाइट है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, क्रंच करके भी बता पाऊंगी। ये देखिए बाहर दो लेयर में निकल गया है, लेकिन इसके अंदर ये ग्रिटी पोर्शन है। देख सकते हैं ये पूरा ग्रिटी पोर्शन है।
और एक लेयर निकल जाता ना तो सही रहता फिर क्रंच करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा थिक क्रंच करने में भी मतलब बिग बाइट्स नहीं होते हैं। ये क्रंची है पूरा पूरा ग्रिटी ग्रिटी लग रहा है इधर। बहुत ही अर्थी स्मेल आ रहा है वाइट से। इस पीस को क्रंच करने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसका पूरा सॉफ्ट और क्रीटी पोर्शन निकाल दिया है, ये सिर्फ अभी क्रंची पोर्शन इसका बचा है। ये बहुत टेस्ट लगेगा खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा आज का क्लीनिंग कंप्लीट हुआ। मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। देखिए ये देखिए मेरा अभी का क्लीनिंग किया हुआ सारे आइटम। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।